सभी भजन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आप सभी ने मुझे अब तक इतना प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस भजन को शुरू करने से पहले निवेदन उन सभी भक्तों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपने मोबाइल या लैपटॉप के यूट्यूब ऐप में जाकर सर्च बॉक्स में जाएं और टाइप करें विवेक तिवारी 9670 और फिर कीबोर्ड में बने हुए सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो करेगा। अब आप सब्सक्राइब कर क्लिक कर दें। अब आपको सामने एक बेल आइकॉन दिखाई देगा और इस पर भी कृपया क्लिक करें ताकि हर भजन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो माँ बाप ने कहा, बेटा जब तक तू मुझे अपने कंधों पे नहीं उठा लेता तब तक प्रणाम करूंगा। इसलिए माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। तब जाके कहना है, माँ माँ तो बस प्यार करे, तुझको दुलार करे, तेरी खुशी हो के लिए सबसे तकदार करे, तेरी खुशी हो के लिए सबसे तकदार करे। ऊपर जब खुलेगा तेरे गुनाहों का खाता, तो यही माँ बाप की सेवा तेरी जमानत बनेगी। इसलिए आजकल के लोग पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं, किसी से तोड़ यहाँ माँ की ममता का तो न कोई मोल यहाँ, माँ की ममता का तो न कोई मोल यहाँ। माँ के बलिदान सुन के रूह कांप जाएगी, माँ के बलिदान सुन के रूह कांप जाएगी। तुम ले माँ की तुम्हारी तेरे काम आएगी, खुशी का बलिदान कर दिया है। अक्सर हमने देखते देखा है, बच्चे सोते समय सुसु कर दिया करते, गर्मी हो बरसात हो या कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, अगर बच्चे सुसु कर देते हैं तो माँ खुद वहां सो जाते हैं, पर बच्चे को हमेशा सूखे और साफ जगह पर सुलाया करते। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण है। और हम एक हम जो कमाने के चक्कर में अपने माँ बाप को ही सबसे पहले भूल जाते हैं। भले ही कितना कमा ले, झोपड़ी वाले को पक्का मकान चाहिए और पक्के मकान वाले को नगर में मकान चाहिए, नगर में मकान वाले को शहर में और शहर में मकान वाले को राजधानी में मकान चाहिए। और यहां भी घूम रहे हैं, राजधानी वाले को विदेशों में भी मकान चाहिए, और जब विदेशों में भी मकान बन जाए तब भी शांति नहीं मिलती। आजकल लोग चांद पर बुकिंग कराने लगे, किसी ने कहा, एक आसमान को क्या
प्रणाम बोला। आखिर कौन कहता है कि मेरा हर अरमान पूरा है? अरे चाहत थी मुझे थोड़ी सी जमीन की, मगर बगैर मेरा ये ख्वाब आज तक अधूरा। तब जाकर बड़े हक से एक बात कह पाता हूँ कि कुछ ना पा सके तो कोई गम नहीं, कुछ ना पा सके तो क्या गम है, माँ बाप को पाया है ये क्या गम है। और जो थोड़ी सी जगह मिली है इनके कदमों में, सच बताना क्या ये किसी जंगल से कम है? इसलिए माचो बस प्यार करे दुलार करे तो सब तक राज करे। इस बार से मुझे एक बात याद आती है, आज भी लोग अपने माँ बाप को बहुत सी जगहों पे देखा है मैंने, ले जाकर आसाम में छोड़ाया करते, तब दिल से आवाज आती है हम तो वरदान को ही सांप समझ बैठे हैं। अरे सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे, हम तो वरदान को भी श्राप समझ बैठे, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को ही दौलत समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। आज दौलत को ही माँ बाप